चेकसन की मशीन के अंदर आप सारे टाइप के पापड़ निकाल सकते हो दोस्तों। हम आज आपको खिचिया पापड़ के बारे में पूरी माहिती देंगे। खिचिया पापड़ मशीन के अंदर किस तरह से बनते हैं, इसके अंदर दोस्तों आप उड़द के पापड़ बनाना चाहते हो वो बना सकते हैं, मसाला का खिचिया पापड़ बना सकते हैं, प्लेन खिचिया पापड़ बना सकते हो, नाचनी का पापड़ बना सकते हो, रागी का पापड़ बना सकते हो, उड़द के पापड़ बना सकते हो, सिंगल मरी डबल मरी सब बना सकते हो। और आपको पता है अभी ट्रेंडिंग में जो डिस्को पापड़ चल रहे, जो छोटे पापड़ कोइन पापड़ आते हैं, जो खिचू में भी बनते हैं और उड़द पापड़ में भी बनते हैं, वो भी आप इसी मशीन से बना सकते हो। अभी हमने चावल का आटा ले लिया है, उसमें अंदर थोड़ा सा गेहूं मिला दिया मिक्स कर दिया और यहाँ पे हमने गर्म पानी किया है। गर्म पानी में हमने पापड़ का खार डाला है और पूरी तरह से पानी को गर्म होने दिया है और ये पानी हम आटे वाले मशीन के अंदर डालेंगे। 15 किलो का जैक्सन का आटा मशीन है, इसके अंदर आपको जो भी साइज चाहिए आपको मिल जाएगी और जो हमारा आटा तैयार किया है वो इसके अंदर डालेंगे। सर आप बताइए इसके अंदर कौन कौन सा आटा मिला हुआ है? इसमें 10 किलो गेहूं का आटा है और 2-3 किलो चावल का आटा है। मैंने देखा दोस्तों चावल का और गेहूं का आटा डाल के मिक्स कर दिया। अब हम मशीन को ये चालू करेंगे, मशीन को स्टार्ट कर दिया। अभी ये 5 से 10 मिनट के अंदर ये चावल का जो खिचिया इसके अंदर डाला है वो ऑटोमेटिक ये खिचिया बन जाएगा क्योंकि इसके अंदर गर्म पानी डाला है। आपको गर्म पानी का ऑटोमेटिक वाला सिस्टम वाला मशीन भी चाहिए तो जैक्सन मशीन से मिल जाएगा। देखिए 5 मिनट के अंदर एक खिचू रेडी हो गया। अभी इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसमें ये मशीन में आपको 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो 50 किलो तक अवेलेबल है हमारे पास। ये खिचिया रेडी हो चुका है, अब इसको हम इस तरह से बाहर निकालेंगे। ये पूरी तरह से गर्म खिचिया है क्योंकि हमने गर्म पानी डाला था, पूरी तरह से गर्म खिचिया है इसके अंदर। सर ये टोटल कितना किलो आटा है? सर 10-12 किलो गेहूँ का आटा है और 2-3 किलो चावल का आटा डाला था। ये 15 से 17 किलो सब मिला के 15 से 17 किलो आटा है। इसको अभी हम क्या करेंगे? इसको ऐसे करके वो बापने का मशीन है ना, इसमें डालेंगे। बाद में एक घंटे में वो खिचू तैयार हो जाता है। जैसे कि सर ने बताया 15 किलो खिचू तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर इसने एल्यूमिनियम के ट्रे के अंदर भर दिया है और इसको बाफ देंगे। बाफने के लिए जैक्सन से मशीन लिया हुआ है। ये ट्रे को 1x1 करके इस तरह से अंदर रख देंगे। इसमें अलग अलग 12 ट्रे तक आप कर सकते हो। ये जो एल्यूमिनियम के ट्रे है इस तरह से इसको अंदर रख देंगे। पूरा स्टेनलेस स्टील का ये मशीन बनाया हुआ है और नीचे से गैस चालू कर देंगे। पूरा बाफ करके थोड़ी मिनटों में तैयार हो जाएगा। इसको इस तरह से प्लेट को अंदर रख देंगे और ढक्कन बंद कर देंगे। देखिए पूरा ट्रे हमने अंदर रख दिया है और नीचे की ओर हम पानी डालेंगे। यहाँ से पानी को इस तरह से डाला जाता है ताकि इसका भाप बन जाए। देखिए इस तरह से पानी अंदर जाएगा और इसके नीचे से गैस चालू करेंगे। ढक्कन को हम बंद कर देंगे। सर जी इसको बंद कर दीजिए। यहाँ पे हमने लॉक दिया है, उसको लॉक कर दोगे तो पूरा लॉक हो जाएगा और नीचे से बर्नर को चालू करना सिंपली। देखिए चालू कर दिया और थोड़ी मिनटों में खींचू तैयार हो जाएगा। चलिए हम ये तैयार हो चुका है, हम इसको खोल के निकालेंगे। खोल दिया, आप देख सकते हो कितना धुआं निकल रहा है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों एक कम्प्लीट हो गया, बाफने के बाद एक कम्प्लीट खींचू हो गया। इसके बाफने का रीजन ये होता है दोस्तों कि जो खिचिया होता है वो अच्छी तरह से फूलता है। जो पापड़ होता है 7 इंच का और 9 इंच का तलने के बाद बन जाता है। अब हम जाते हैं डायरेक्ट हमारा मेन मशीन के पास जो हमारा खिचू बेल के तैयार कर देगा दोस्तों। ये हमारा जैक्सन का ऑटोमेटिक खिचिया पापड़ मेकिंग मशीन है। जी हाँ दोस्तों, ये मशीन के अंदर से आपको डबल लाइन में पापड़ निकलेंगे दोस्तों। ये खिचिया का मशीन पूरा ऑटोमेटिक है दोस्तों। ऑटोमेटिक कैसे, इसके अंदर हमने ऐसा प्लास्टिक सिस्टम दिया है, नीचे से हम इस तरह से प्लास्टिक रख देते हैं। ऑटोमेटिक खिचिया जो है ऑटोमेटिक प्लास्टिक की पन्नी पे आ जाता है। एक एक खिचू को उठाना नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो हमने खिचू रेडी किया था यहाँ पे डाल देना और साइड का कटिंग भी ऑटोमेटिक आगे आ जाएगा दोस्तों। तो हमने खिचू डाला है, ऑटोमेटिक प्रेस होकर कटिंग होकर डायरेक्ट प्लास्टिक की पन्नी में आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये जो मशीन है दोस्तों जैक्सन मशीन का मशीन है, ये जो अहमदाबाद गुजरात में है। आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहते हो तो स्क्रीन पर हमने नंबर दे दिया 9909985145, इस पे कॉल करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। और जो हमने खिचिया डाला था ये हेवी ड्यूटी रोलर दिया, उसके अंदर से प्रेस होकर आएगा। इसमें यहाँ पे कटिंग डाई लगा है, एक कटिंग होकर आ जाएगा। ये 8 इंच का खिचिया लगा है, इसमें छोटा बड़ा साइज जो भी चाहिए वो आपको जैक्सन मशीन से मिल जाता है। और आप देख सकते हो जो साइड का कतरन है ऑटोमेटिक पीछे जा रहा है और कितना आराम से आसानी से काम होता है जैक्सन मशीन के अंदर। आप देख सकते हो दोस्तों सिर्फ आगे से खिचिया डालना है, ऑटोमेटिक प्लास्टिक के पन्नी के ऊपर आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये जो आ रहा है डायरेक्ट प्लास्टिक के पन्नी पे आ रहा है और जो साइड का कतरन है आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली पीछे जा रहा है। इसको उठाने के लिए ना तो आपको अलग से मेहनत लगती है ना तो कुछ और लगता है। ये मशीन है दोस्तों सिंगल फेज मशीन है। इसको आप अगर आप छोटे पाइप पे स्टार्ट करना चाहते हो तो घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो दोस्तों कितना प्लास्टिक के पन्नी में आ रहा है और जो साइड का कतरिंग ऑटोमेटिक पीछे जा रहा है उसका भी इस तरह से फिर से खींचा बन जाएगा। और ये 2 लोग ये हमने ट्रैक बनाया हुआ है, इसके अंदर रख देंगे, थोड़े टाइम सुखा देंगे, उसके बाद धूप में सुखा देंगे। हम पूरा प्रोसेस दिखाएंगे धूप में भी ये लोग किस तरह से सुखाते और किस तरह से पैक करते, सब कुछ आपको ये वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों। देखिए इस तरह से ट्रैक के अंदर रख दिया है और ये ट्रैक आप देख सकते हो कितना भरा पड़ा है और कितना, एक ट्रे नहीं है दोस्तों, बहुत सारे ट्रे है। आपको हम पूरा फैक्ट्री विजिट करवाते हैं। देखिए ये पूरा ट्रैक लगा हुआ है, इसके अंदर वो पापड़ सुखाते हैं, थोड़े टाइम रखते हैं और धूप में सुखा देते हैं। देखिए दोस्तों ये सारे ट्रैक लगा हुआ है, इसके अंदर सारे के अंदर खींचे सूख रहे हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप एक के अंदर 12 से 15 अलग अलग लेवल है, उसके अंदर से खींचा सूख रहा है। थोड़ी टाइम रखने के बाद इसको इकट्ठा कर लेते हैं और इसको मूवेबल के लिए भी हमने यहाँ पे व्हील दिया है, तो व्हील से ये मूव पूरा मूव हो जाता है और ये पूरा स्ट्रोक
पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा कस्टमर को देने के लिए पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है। और हम बात करते हैं इसको किस तरह सुखाते हैं, तो चलिए हम आपको उसका भी पूरा प्रोसेस बताते हैं, इसको धूप में कैसे ये लोग सुखाते हैं। ये पूरा गीला पापड़ है दोस्तों, डायरेक्ट कस्टमर को गीला पापड़ भी इस तरह से देते हैं, आप घर जाके सुखा के उसको खा सकते हैं दोस्तों। अभी हम छत पे आ गए दोस्तों, थोड़ी टाइम के लिए दोस्तों इसको धूप में सुखाना पड़ता है। धूप में सुखाने से इसका मॉइस्चर जो कम हो जाता है और पूरी तरह से एकदम नेचुरल हो जाता है, पापड़ खाने लायक हो जाता है दोस्तों। अभी मैं आपको एक हाथ में लेके पापड़ दिखाता हूँ, अभी कितना गीला पापड़ है और मैं आपको लास्ट में सूखने के बाद कैसा होगा दिखाता। देखिए दोस्तों कितना गीला पापड़ है, टूटना नहीं है अभी, क्योंकि अभी अभी मशीन से बन के आया है और अभी सुखाया है। और उसको थोड़े टाइम बाद उसको जब इकट्ठा करेंगे, थोड़े टाइम बाद हम इसको देखेंगे, जब आपको आइडिया लगेगा इस तरह से सूख के रेडी हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों पापड़ को सुखाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट सूख जाता है दोस्तों। थोड़े टाइम बाद ये सूख के रेडी हो चुका है, अभी इसको ये लोग पैक कर रहे हैं। देखिए किस तरह से पैकिंग करते हैं, अभी थोड़ा ही वक्त हुआ है और पापड़ पूरी तरह से सूख गया। अभी अच्छी धूप है तो जल्दी सूख जाएगा, अगर कम धूप है थोड़ा सा हल्का सा टाइम लगेगा। पूछते हैं कि उन्होंने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया और अभी कितना किलो पापड़ बना रहे। सर हमारे व्यूअर को थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में दीजिए। हम पहले हाथ से बनाते थे, तब हम 5-6 किलो बनाते थे, अब बाद में हमने छोटा मशीन लिया जैक्सन से, उसमें 30-35 किलो बनाते थे। अभी हमने बड़ा वाला मशीन लिया है, अभी 100-150 किलो से ज़्यादा ही बन रहा है। इस तरह से हम बाद में पैकिंग कर देते हैं। तो देखा दोस्तों अपने पापड़ किस तरह से क्रंची बन चुका है, अब इसको पैक कैसे कर रहे हैं मैं भी आपको एक हाथ में लेके दिखाता हूँ पापड़, और उसको तोड़ के भी दिखा। देखिए ये पहले गीला पापड़ था, ये जी भी टूट नहीं रहा था, देखिए किस तरह से पूरा क्रंची हो चुका हुआ, पूरी तरह से क्रंची हो चुका है दोस्तों। अब हम आपको पैकिंग के बारे में बताते हैं दोस्तों, इसको पैक कैसे करते हैं और किस तरह से उसको मार्केट में डिलीवर करते हैं दोस्तों। इस तरह से उसको पहले इकट्ठा किया जाता है और प्लास्टिक की पन्नी में इस तरह से डालते हैं, तो 100 पापड़ गिन के डालते हैं, कोई वजन के हिसाब से लेते हैं और कोई पीस के हिसाब से लेते हैं। इसके ऊपर एक रबड़ बैंड लगाया जाता है, रबड़ बैंड या तो फिर स्टेपलर लगाया जाता है। इस तरह से अलग अलग पैकेट तैयार करते हैं और ये पैकेट को बॉक्स में भर देते हैं, और किस तरह से बॉक्स में भरते हैं वो भी हम आप दिखाते हैं। देखिए इस तरह से फिर बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, इन्होंने उसके माप का ही एक बॉक्स तैयार किया हुआ है, ये बॉक्स को पैक करके फिर सप्लाई कर देते हैं दोस्तों। ये लीजिए और भी मैं आपको देता हूँ, ये लीजिए उधर डाल दीजिए। वाओ कितना बेहतरीन पैकिंग है ये लोगों का। देखिए अब इसके ऊपर ये लोग टेप लगा देंगे और फिर उसको मार्केट में दे देंगे। देखिए ये टेप लगा दिया और इन्होंने यहाँ पे पैक कर दिया पूरी तरह से, और इसको उठा के ये लोग यहाँ पे बॉक्स को इकट्ठा करते, फिर यहाँ पे क्रेन की सुविधा है, क्रेन से वो पूरी तरह से नीचे ले जाते और मार्केट में सेल करते थे दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये बिजनेस, अगर आप भी ये बिजनेस करना चाहते हो या मशीन खरीदना चाहते हो, इसे छोटा बड़ा सब मशीन अवेलेबल है हमारे पास। तो स्क्रीन पर हमने नंबर दिया, वो 9909985145 आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जैक्सन मशीन अहमदाबाद, नवनीत देसाई, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।